Hello everyone, how are you? So today we are going to discuss about quantum number and how to write electronic configuration of any atom. ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हमें क्वांटम नंबर पता होना चाहिए. क्वांटम नंबर क्या होते हैं, क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं. जब हम ये जान जाएंगे तभी हम किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसानी से लिख पाएंगे. ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं. तो जैसा यहाँ लिखा गया है, क्वांटम नंबर इज द सेट ऑफ फोर नंबर विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. किसी एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स की सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम जिन नंबर्स का यूज करते हैं उन्हीं नंबर को हम क्वांटम नंबर कहते हैं. इंफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन किस मेन सेल में है, वो किस सेल के किस सब सेल के अंदर है, सब सेल के अंदर में किस तरीके के ऑर्बिटल्स में है, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. इन सभी चीज़ों को जिन नंबर से पता लगाते हैं उन्हीं नंबर्स को क्वांटम नंबर कहते हैं. क्वांटम नंबर वो जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं. जैसे हमारा एड्रेस अगर कोई पूछे तो आप पहले मेरा नाम लिखेंगे, फिर मेरा हाउस नंबर लिखेंगे, स्ट्रीट नंबर लिखेंगे, मोहल्ले का नाम लिखेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, कंट्री लिखेंगे. वैसे हमें किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगानी है तो हम ये जानेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, फर्स्ट सेल में है कि सेकंड सेल में है कि थर्ड सेल में है, सेल के अंदर किस सब सेल में है, सब सेल के अंदर किस तरीके के ऑर्बिटल्स में है, और ऑर्बिटल में उसका न्यूक्लियस ग्राउंड स्पिन कैसा है. तो एक तरीके से क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है. अब किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता लगाने के लिए चार तरीके के क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि यहाँ पर लिखे गए हैं. दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. ये चार तरीके के क्वांटम नंबर्स होते हैं. तो एक एक करके हम लोग सारे क्वांटम नंबर के बारे में चलिए डिस्कशन करते हैं. सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बताएगा कि जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो किस मेन सेल में है. वो के में है, यहाँ पर देखिए आप, वो के में है कि एल में है कि एम में है कि एन में है कि ओ में है. अगर वो इलेक्ट्रॉन के में है तो उसकी न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगी वो बहुत ही कम होगी और न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. अगर वो ओ में है तो उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा है और मीन्स उसका न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन के में है तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर वो इलेक्ट्रॉन के में है तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, अगर एल में है तो 2 होगा, एम में है तो 3 होगा, एन में है तो 4 होगा, ओ में है तो 5 होगा. ठीक है, जो कि यहाँ पर लिख दिया गया है. के में है तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन की वैल्यू 1, एल में है तो 2, एम में है तो 3, एन में है तो 4, ओ में है तो 5. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बताएगा कि जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो किस मेन सेल में है. अगर वो के में है तो उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम यानी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज़्यादा, अगर ओ में है तो उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा मीन्स न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये भी बताता है कि जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसकी न्यूक्लियस से एवरेज डिस्टेंस कम है कि ज़्यादा है. सेकेंड क्वांटम नंबर जो होता है वो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि किस किस सेल के अंदर कितने सब सेल्स हैं. तो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ सब सेल इन ए गिवन सेल. किसी सेल के अंदर कितने सब सेल्स हैं इसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता लगाते हैं. एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं. एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू वेरी करती है 0 से लेके एन माइनस 1 तक, एल इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1. अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 0 है तो सब सेल का नाम S होता है, 1 है तो P होगा, 2 है तो D उसका नाम होगा, 3 है तो F होगा, 4 है तो G होगा. अब आपको पता है K, L, M और N ये सभी सेल्स हैं. अब इन सभी सेल्स के अंदर कितने सब सेल्स हैं ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो चलिए उसको देखते हैं. L की वैल्यू आपने बताया ही था, L की वैल्यू वेरी करती है 0 से लेके कहाँ तक, एन माइनस 1 तक. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमें पता लगाना है कि ये सेकेंड सेल पहले लेते हैं, सेकेंड सेल L में कितने सब सेल हैं, तो L के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N की वैल्यू 2, जैसा कि यहाँ आपको बताया गया, ये देखिए L के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N की वैल्यू 2, ये ऐसे हो गए. अब सेकेंड सेल में कितने सब सेल हैं, तो सब सेल स्मॉल एल जो होता है दिस इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1, तो स्मॉल एल की वैल्यू हो गई 0 से एन माइनस 1,
यानी एक जीरो हो गया और एक क्या हो गया, वन हो गया। और स्मॉल एल की वैल्यू जीरो आती है तो देखिए उसको एस बोलते हैं, वन आती है तो पी बोलते हैं, यानी सेकेंड सेल में दो सबसेल हैं एस और पी। अब ये दोनों ही सबसेल सेकेंड सेल के हैं तो इसके नाम के आगे टू एस और टू पी लिख देंगे। टू रिप्रेजेंट कर रहा है कि दीज आर द सबसेल ऑफ सेकेंड सेल। अगर आपको कोई डाउट है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल से क्लियर होगा। आपसे पूछा जाए एम एम सेल में कितने सबसेल, एम के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू कितनी होगी, थ्री, जैसा कि यहां पर आपको बताया गया। ये अब थर्ड सेल में कितने सबसेल, तो इसकी वैल्यू पता लगाएंगे एल इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन इस फार्मूले से। अब एल की वैल्यू हो गई जीरो वन एंड टू बाई जीरो टू एन माइनस वन में जीरो वन और टू आएगा। जीरो का मतलब एस, वन का मतलब पी, टू का मतलब डी। अब इनके आगे थ्री लिख देंगे क्योंकि ये थर्ड सेल के सबसेल, थ्री एस थ्री पी थ्री डी। फोर्थ सेल में कितने सबसेल हैं, तो इस कैपिटल एन के लिए स्मॉल एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू फोर, तो एल की वैल्यू वेरी करेगी जीरो वन टू और थ्री। जीरो मतलब एस पी डी और एफ, तो ये फोर एस फोर पी फोर डी और फोर एफ, यानी फोर्थ सेल में फोर सबसेल एस पी डी एफ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए एन की वैल्यू वन तो एल की वैल्यू सिर्फ जीरो, तो एस हो गया ये फर्स्ट सेल, यानी फर्स्ट सेल में सिर्फ एक सबसेल वन एस। तो आपने देखा कि किसी सेल में कितने सबसेल हैं इसको हम आसानी से पता लगा सकते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर से। ठीक है, नाउ थर्ड क्वांटम नंबर जो होता है, थर्ड क्वांटम नंबर इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताएगा कि किसी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिवन सबसेल, इन ए गिवन सबसेल, किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं इसको हम पता लगा लेंगे किसे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। और एम की वैल्यू जो वेरी करेगी वो वेरी करेगी माइनस एल से लेके प्लस एल तक, माइनस एल टू प्लस एल, ये एम की वैल्यू वेरी करती है। या मैं इसको एक और आसान फार्मूले से बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल, इन ए सबसेल दिस इज इक्वल टू टू एल प्लस वन, दिस इज इक्वल टू टू एल प्लस वन। किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, दिस इज इक्वल टू टू एल प्लस वन। ठीक है, कैसे, अभी मैं आपको ये भी बताता हूं। नाउ अब सभी लोग जरा ध्यान से देख ले, अब एस पी डी और एफ, अब आपको पता है एस पी डी और एफ ये सभी क्या है, ये सभी सबसेल। अब इन्हीं सबसेल्स में कितने ऑर्बिटल्स हैं, चलिए भाई इसका पता लगाते हैं। ठीक है, और आपको ये पता है कि एस पी डी और एफ के लिए जो एल होता है, एस के लिए एल की वैल्यू जीरो, पी के लिए वन, डी के लिए टू, एफ के लिए थ्री, अभी आपको हमने इससे पहले कुछ देर पहले बताया ही था। ठीक है, अब एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, वन, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, टू, एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, एफ के लिए एल की वैल्यू थ्री होती है। अब जैसे मैं पहले पी से शुरू करता हूं, आई एम जस्ट स्टार्टिंग विथ पी। आपसे पूछा जाए कि पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल, तो उसको हम एम से निकालेंगे, तो एम इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल, यानी दिस इज माइनस वन जीरो एंड प्लस वन। भाई हमें माइनस एल से लेके प्लस एल, एल की वैल्यू वन है तो एम की वैल्यू देखिए माइनस वन से लेके कहां तक हो जाएगी, माइनस वन से लेके प्लस वन तक हो जाएगी, माइनस वन से लेके कहां तक, प्लस वन, इट मीन्स वो माइनस वन जीरो प्लस वन, तो ये तीन ऑर्बिटल आ गया ऐसे। और आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं कि पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल, तो पी के लिए एल की वैल्यू वन, तो टू इंटू वन प्लस वन इक्वल टू कितना, थ्री ऑर्बिटल आ गए, तो देखिए थ्री ऑर्बिटल आ गए, वन टू एंड थ्री। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, इस तरीके से हम पता लगा लेंगे। अब डी एक सबसेल है, डी के लिए एल की वैल्यू टू, तो एम की वैल्यू देखिए यहां पर माइनस टू से लेके प्लस टू, ना दिस इज माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन एंड प्लस टू, फाइव ऑर्बिटल्स ऐसे हो गए इस तरीके से, फाइव ऑर्बिटल हो गए। एफ के लिए एल की वैल्यू थ्री, तो एम की वैल्यू आप देखिए माइनस थ्री
माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू एंड प्लस थ्री, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? आप देखिए टोटल सेवन ऑर्बिटल्स हो गए। नाउ देर आर टोटल सेवन ऑर्बिटल, एल की वैल्यू जीरो तो एम की वैल्यू भी जीरो, तो इसमें एक ऑर्बिटल हो गए, इसमें एक ऑर्बिटल हो गए। और आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते थे यहां पर। अब आपसे पूछा जाए एस के लिए ऑर्बिटल कितने, तो एस के लिए एल की वैल्यू जीरो तो एम की वैल्यू यानी तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो हो गए, दिस इज टू इंटू जीरो प्लस वन इक्वल टू कितने ऑर्बिटल हो गए, वन ऑर्बिटल, जो कि ये आ गया ऐसे। अब आप किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे उसको आसानी से इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, वो एस पी डी एफ सबसेल्स होते हैं और उन सबसेल में ऑर्बिटल्स होते हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वन ऑर्बिटल में है मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स। नाउ एस पी डी और एफ दे आर द सबसेल्स, दे आर सबसेल, और इन सबसेल्स में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देख लें। नाउ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो एस सबसेल में एक ऑर्बिटल, पी में थ्री ऑर्बिटल, डी में फाइव ऑर्बिटल, एफ में सेवन ऑर्बिटल। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, अब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, तो एस में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम टेन इलेक्ट्रॉन और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन, फोर्टीन। ये अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको हमने पता लगा लिया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अच्छा, जो फोर्थ क्वांटम नंबर होता है उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानना है, थोड़ा सा बस जान लेना है कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, उसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर हमें यह बताता है कि जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसकी न्यूक्लियस के अराउंड स्पिन कैसी है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ऐसे न्यूक्लियस, ऐसे मैंने एक और ऐसे न्यूक्लियस बना दिया। न्यूक्लियस के राउंड इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर s इक्वल टू प्लस हाफ लिख देते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के आगे s इक्वल टू प्लस हाफ लिखा आता है, इट मीन्स वो न्यूक्लियस के राउंड क्लॉकवाइज घूम रहा है। और उस इलेक्ट्रॉन को जनरली हम ऑर्बिटल्स में ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा देंगे, कंप्लीट एरो से या हाफ एरो से, बस ये। अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आपको अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा मिलता है कंप्लीट एरो या हाफ एरो से, इट मींस वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी ऐसे इस तरीके से, तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर s इक्वल टू माइनस हाफ हो जाता है, और उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लिख देते हैं इस तरीके से। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन के आगे s इक्वल टू माइनस हाफ लिखा है, इट मींस वो न्यूक्लियस के राउंड एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, या उसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे कंप्लीट एरो से या हाफ एरो से, ये स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में होता है। अब इस क्वांटम नंबर का एक हेल्प ये भी होता है कि आप ये बता सकते हैं कि किसी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, ये आप इसको आसानी से बता सकते हैं। जैसे आपने सुन पढ़ रखा है कि भाई थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 9 ऑर्बिटल्स होते हैं, फोर्थ सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 16 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो भाई ये पूछा जाए भाई कैसे आ गया, कैसे आप जानेंगे कि थर्ड सेल में 9 ऑर्बिटल होते हैं और मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको आप क्वांटम नंबर की हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए भाई देखते हैं। आपसे बोला जाए कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल, इन थर्ड सेल में टोटल मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, ये आप कैलकुलेट करिए। तो थर्ड सेल का मतलब m, m के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 3। अब थर्ड सेल में कितने सबसेल हैं इसको पता लगा लेंगे l से, और आपको पता है l इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, तो l की वैल्यू एक 0 हो गई, एक 1 हो गई, एक 2 हो गई। 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d, तो इसके आगे 3s, 3p और 3d।
अब थर्ड सेल में तीन सबसेल हो गए एस पी और डी। अब हर सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स, तो उसको एम से पता लगाते हैं, एम इक्वल टू माइनस एल से लेके प्लस एल। अभी आपने पढ़ा भी था कि एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, ये पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं, माइनस वन, जीरो और प्लस वन, ऐसे इस तरीके से। डी में फाइव ऑर्बिटल, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन और प्लस टू, यानी फाइव ऑर्बिटल। या आप सीधा ये भी बोल सकते हैं कि डी में फाइव ऑर्बिटल होते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर एक ऑर्बिटल आ गया, यहाँ थ्री ऑर्बिटल आ गए, और यहाँ कितने ऑर्बिटल आ गए, फाइव। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए, टोटल ऑर्बिटल्स, और टोटल ऑर्बिटल्स देखिए नाइन हो गए। अब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आप कहेंगे भाई मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई थर्ड सेल में टोटल नाइन ऑर्बिटल होते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन, अब सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जब आप ये जान जाएंगे कि किसी सेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसके बाद ही आप किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए एक नया रूल दिया गया, उसको आफवा रूल कहते हैं, आफवा रूल, ठीक है, आफवा रूल। आफवा एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बताया कि किसी एटम में जब हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट सेल में फिल नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग डायरेक्ट सेल में ना करा के सब सेल्स में कराते हैं। इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग डायरेक्ट सेल में ना करा के कहाँ कराते हैं, सब सेल्स में। तो सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कैसे होती है, चलिए भाई उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है फर्स्ट सेल में सिर्फ एक सब सेल होता है, वो होता है 1s। सेकेंड सेल में दो सब सेल होते हैं, 2s और 2p। थर्ड सेल में तीन सब सेल होते हैं, 3s, 3p एंड 3d। फोर्थ सेल में फोर सब सेल होते हैं, 4s, 4p, 4d और 4f। फिफ्थ सेल में फाइव सब सेल होंगे, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g भी होता है, पर हमें 5g लिखने की जरूरत नहीं है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स हैं वो 5f तक आते आते फिल्ड हो जाते हैं, तो हमें 5g लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा करे तो आप 5g ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर जब इसका यूज नहीं होता तो हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरह सिक्स सेल में सिक्स सब सेल होंगे, पर अपना काम 6s, 6p और 6d से भी हो जाएगा। आप 6f, 6g, 6h लिख सकते हैं, और 7s में अपना काम 7s और 7p से ही हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल के सारे एटम 7p तक आते आते फिल हो जाते हैं, तो हमें 7d, 7f लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप्बा ने कहा कि इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग डायरेक्ट सेल में ना करा के किस में कराएंगे, सब सेल में कराएंगे। अब समस्या ये आई कि किस सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग पहले होगी, किस में बाद में होगी। तो आप्बा ने कहा, एक सोल्यूशन निकाला इन्होंने कि भाई उस सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग पहले होगी जिसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और किस सब सेल की एनर्जी ज्यादा, किस सब सेल की एनर्जी कम, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो जो एनर्जी ऑफ ए सब सेल है, एनर्जी ऑफ सब सेल, वो हम डिसाइड करेंगे एन प्लस एल से। किसी भी सब सेल की एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के सम से डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो एन प्लस एल की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। एन प्लस एल की वैल्यू जिसकी ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन सभी के लिए एन प्लस एल की वैल्यू, अब आपको पता है एस के लिए L की वैल्यू जीरो होती है, P के लिए वन होती है, D के लिए टू होती है और F के लिए थ्री होती है, हमने आपको पहले बता रखा है। अब आप इन सभी के लिए N प्लस L की वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले हम 1s, ये 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, ऐसे निकाल लेंगे। एन प्लस एल, इन सब के लिए एन प्लस एल की वैल्यू हम निकाल लें। एन प्लस एल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर। एन की वैल्यू तो वही है जो आगे लिखी हुई है, जो नंबर, जैसे ये इसके लिए 1 + 0 = 1, 2 + 0 = 2, ये 2 + 1 = 3, ये 3 + 0 = 3, ये 3 + 1 = 4। भाई पी के लिए एल की वैल्यू देखो 1 होती है,
3D के लिए 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 4S के लिए 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, S के लिए L की वैल्यू 0, 4P के लिए 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, 4D के लिए 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, 4F के लिए 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। इसी तरह हम सबका निकाल लेंगे, ये 5 प्लस 0 इक्वल टू 5, ये 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, ये 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, ये 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, ये 6 प्लस 0 इक्वल टू 6, ऐसे हो इस तरीके से। अब जिसमें n प्लस l की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, जिसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में जाएगा। अगर किन्हीं दो में n प्लस l की वैल्यू सेम है, जैसे 2p और 3s, 2p और 3s में सेम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसमें n की वैल्यू कम होगी। तो आप देखिए, इसमें n की वैल्यू 2 है, इसमें 3 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें जाएगा, 2p में जाएगा। आप उसी तरह से देखिए, 3p और 4s का सेम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें जाएगा, 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा। उसी तरह अगर आप ध्यान से देखें तो 3d 4p और 5s का सेम है। तो आप देखिए, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसमें n की वैल्यू कम है, यानी 3d में पहले जाएगा, देन 4p, देन 5s। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रॉन 1s में गया, 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में गया, 2s के बाद वो इलेक्ट्रॉन देखिए 2p, फिर 3s में गया, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन 3p, देन 4s, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d, देन 4p, देन 5s, ऐसे। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग जब हम कराते गए तो ये ऐसे 4d, देन 5p, देन 6s, देन 4f, देन 5d, देन 6p, देन 7s, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन 5f, देन 6d, देन 7p, ऐसे इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती रही, ठीक है। तो आप देखिए, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में गया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखिए, अगर ऐसे करूं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में गया, फिर इलेक्ट्रॉन किस में गया, 2s, देन 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3 के बाद इलेक्ट्रॉन देखिए 4s, 4s के बाद 3d, फिर 4p, फिर 5s, ऐसे इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है। और 5s के बाद आप देखिए, इलेक्ट्रॉन 4d में गया, इसको आप देखते रहे, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, ऐसे इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको पता चल गया कि दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ये जो है ना, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही है, दिस इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं। अच्छा, अब अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि S, P, D और F ये सभी सबसेल्स हैं। ये सभी क्या है, सबसेल्स हैं, दे आर द सबसेल। और इन सबसेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 14। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से होता है। अब कॉन्फ़िगरेशन चलिए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने मान लीजिए हाइड्रोजन को लिखना, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, तो 1s1 एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो 1s2 हो गया। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 3 है, तो सबसे पहले आप देखिए इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, तो सबसे पहले तो 1s2, और जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, 3 इलेक्ट्रॉन थे तो एक बच गया, तो वो 2s1 हो गया। बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो सबसे पहले लिखेंगे 1s2 एंड 2s2, 4 हो गया। बोरान, बोरान का एटॉमिक नंबर आप देखिए 5 होता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गया 1s2, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2s के बाद 2p आता है, पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, बट अब एक ही बचा है भाई, दो यहां यूज हो गए, दो यहां यूज हो गए, 4 एक बचा, तो 2p1 ऐसे लिख दिया हमने। अब इसी तरह से कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ऐसे, तो सबसे पहले लिखेंगे 1s2, 2s2, 4 हो गए, फिर 2p, पी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 मैक्सिमम आ सकते हैं, पर अब हमारे पास 4 यूज हो चुके हैं, तो 2 ही बचे हैं, तो 2p2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो अब आप देखिए दिस इज 1s2, 2s2, 2p3, नाउ दिस इज 2p3।
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो नाउ दिस इज 1s2, 2s2 एंड 2p कितना हो जाएगा 4। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो दिस इज नाउ 1s2, 2s2, 2p5, इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। अब नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, तो नाउ दिस इज 1s2, 2s2 एंड 2p कितना हो गया 6, इस तरीके से हम लिख देंगे। दिस इज हाउ वी कैन राइट द कॉन्फिगरेशन ऑफ एनी एटम, ठीक है। अब जैसे इधर देखें सभी लोग, जैसे मान लो कि आपको मैग्नीशियम सोडियम का लिखना है, सोडियम 11th, अभी एक एक करके चलिए सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2p के बाद क्या आता है, देखिए 2p के बाद 3s आता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2p6 के बाद एक इलेक्ट्रॉन बचा तो 3s1 हो गए। मैग्नीशियम 12, तो नाउ दिस इज 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s2। अब आप इसको KLM कॉन्फ़िगरेशन में बदल सकते हैं, जिसके आगे 1 लिखा है वो फर्स्ट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 2, जिनके आगे 2 लिखा है 2s और 2p, ये सेकंड सेल के हैं, तो सेकंड सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 8, और थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 1, 2, 8, 1। अब यहां देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 8, थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, 2, 8, 2 हो गए। अब जैसे फास्फोरस लेते हैं, फास्फोरस 15, नाउ दिस इज 1s2, 2s2, 2p6, 2p के बाद 3s, फिर 3p, ये आपको मालूम है ऊपर लिखाया गया था। तो 15 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, तो अभी 10 हो गए, तो 10 के बाद 12, इतने देखे 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3p3 अब आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब आप इसको KLM में भी लिख सकते हैं आसानी से, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8, थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5, ऐसे हो गए 2, 8, 5। नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन फाइंड हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एटम। मैं क्लोरीन 17 लेता हूँ, आई एम टेकिंग क्लोरीन 17। सबसे पहले तो आप ऐसे लिख देंगे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ऐसे। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, आप देखिए टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। पी में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो अब आप देखिए फर्स्ट सेल में टोटल 2, सेकंड में 8, थर्ड में 7, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8, 7। नाउ कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8, 7, इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गया। अच्छा अब देखिए इस तरह से ये हो गया। अब जैसे मैं एक डी ब्लॉक का ले लेता हूँ आयरन को, सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना 26, सबसे पहले लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2, 20 हो गए, देखिए ऐसे लिखा गया, 3p के बाद 4s आता है, 20 हो गए। अब इसके बाद 3d आ जाएगा, 3d, अब 3d में यहां तक देखो 20 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, तो अब 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 3d6 आ गया, क्योंकि d में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, तो 6 बचे थे, तो वही हो गए। अच्छा 4s की पहले फिलिंग हुई कि 3d की, तो आपने कहा भाई 4s की फिलिंग पहले हुई, लेकिन अब मैं इसको सिमेट्रिकली ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 3d6, देन 4s2। ऐसा नहीं कि मैंने 4s पहले फिल, 3d पहले फिल कर दिया, हमने फिलिंग पहले इसी की कर दी, पर सारे सेम नंबर वाले को इकट्ठा कर दिया। तो अब इसमें देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8, थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 14, और फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 14, 2 हो गया। नाउ द कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8, 14, 2, सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैं एक नया एग्जांपल निकल लेता हूँ, निकल 28, चलिए दिस इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3p6 के बाद 4s2, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4s2 के बाद अब 3d में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 28, d में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं। अब आप इनको सिमेट्रिकली अरेंज कर दीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 के बाद 3s2, 3p6, 3d 8 एंड 4s2, ऐसे हो गए। अब आप देखिए ये 2p6 था, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 8, थर्ड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में मैक्सिमम आप देखिए 16, और फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो कॉन्फ़िगरेशन इज नाउ 2, 8, 16, 2। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एटम
विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर एंड हाफ वर्क। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।